हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सीजनिंग कल्चर। कैसे हो आप सब? आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मल्टी सीड्स ब्रेड की रेसिपी लाई हूँ। एगलेस ब्रेड बनेगी हमारी, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनी थी और इसमें हम बहुत सारे सीड्स का यूज़ करेंगे। तो ये रेसिपी आप ज़रूर देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है जिसमें हम 1.5 कप रिफाइंड फ्लावर एंड 1/2 कप व्हीट फ्लावर ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड, 1 टेबल स्पून चिया सीड्स एंड 1 टेबल स्पून वाइट सेसमी डाला है। आप और कोई भी सीड ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरे बाउल में लगभग 100 ml वॉर्म वाटर लिया है जिसमें 2 टेबल स्पून शक्कर डाल रहे हैं और उसे अच्छे से मिक्स करना है। याद रखिए, पानी वॉर्म होना चाहिए, हॉट नहीं। अब हम इसमें 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर रहे हैं। इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक प्लेट ढक के रख देंगे। याद रखिए, इसे बिल्कुल भी हमें टच नहीं करना है 10 से 12 मिनट तक। 10 मिनट बाद मैंने खोला है और ये देखिए बिल्कुल बबली सी हो गई है। इट मींस हमारी ईस्ट बिल्कुल बढ़िया है। अब हम इसको अपने मैदे में डाल देंगे और डाल के एक अच्छा सा डो बनाएंगे। लगभग 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल कम ऑयल में मैं ब्रेड बनाई हूँ ये, और बहुत ही अच्छी ब्रेड बनी थी। ब्रेड बनाने का बस एक ही आर्ट है, उसकी नीडिंग। अगर आप उसको अच्छे से नीड करोगे, आपकी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बनेगी। तो लगभग मुझे 8 से 10 मिनट लगा है नीड करने में। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर देंगे जिससे हमारा डो बिल्कुल ड्राई ना हो, और इसके ऊपर एक टॉवल ढक के इसे रख देंगे लगभग 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे के बाद हमारा डो कुछ इस तरीके का लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा रेडी है हमारा डो। अब हम इसकी ब्रेड बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपना मोल्ड लेना है जिसको ऑयल से हम ग्रीस करेंगे जिससे हमारी ब्रेड आसानी से बाहर निकल आए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको हम अच्छे से हर जगह लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा मोल्ड बिल्कुल बढ़िया ग्रीस हो गया है। अब हम एक चकला लेंगे जिसके ऊपर हम अपने ब्रेड के डो को निकालेंगे और इसे एक शेप देंगे। तो ये देखिए हम इसको कुछ इस तरीके से निकालेंगे धीरे से, बिल्कुल हल्के हाथ से, और इसको फ्लिप कर देंगे दूसरे साइड। और इसको प्रेस करते हुए हमें चारों तरफ से इसे फोल्ड करना है। पहले मैंने नीचे से फोल्ड किया, देन मैंने ऊपर से फोल्ड किया, देन मैंने साइड्स को फोल्ड कर दिया। और बिल्कुल इसे पैक कर देंगे जिससे हमारी ब्रेड कहीं से भी बिल्कुल फटे नहीं, और ऊपर का सरफेस बिल्कुल चिकना होना चाहिए जिससे हमारी ब्रेड बहुत ही बढ़िया लगे देखने में, बिल्कुल क्रैक्स ना आए उस पर। तो ये देखिए हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको मोल्ड में डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। और हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे क्योंकि हमारी ब्रेड थोड़ी सी ड्राई ऊपर से दिख रही है। अगर आपकी नहीं है तो इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वापस से हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और हमारा ये देखिए डो बिल्कुल रेडी हो गया है बेक करने के लिए। इसको सेकेंड प्रूविंग बोलते हैं। और अब हम इसमें ऊपर से मिल्क वॉश देंगे जिससे हमारी ब्रेड गोल्डन बन के रेडी होगी। और थोड़े से इसके ऊपर सीड्स हम डाल देंगे, जो हम अंदर डाले थे वही सीड्स हैं ये। तो ये मैं हर तरफ अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी जिससे हमारी ब्रेड देखने में भी अच्छी लगे और मज़ेदार हो खाने में बिल्कुल। तो अब हम इसको बेक कर लेंगे लगभग 22 से 25 मिनट तक के लिए प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो। तो ये देखिए हमारी ब्रेड कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब आप इसको डीमोल्ड करना है जिससे ये आसानी से निकल आए और आपकी ब्रेड कहीं से भी ब्रेक ना हो। तो आइए हम इसको कट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी ब्रेड बिल्कुल बढ़िया से कट हो रही है, बिल्कुल सॉफ्ट है, टेस्टी है। आप ये ब्रेड बनाइए, घर पे खाइए, सबको खिलाइए, बहुत पसंद आएगी, हेल्दी है। और बेस्ट पार्ट ये है कि बिल्कुल साफ तरीके से आपके घर पे बन गई है। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी ब्रेड बनी है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए, होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपको ये केवल व्हीट फ्लावर में बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। आप रिफाइंड फ्लावर को पूरी तरीके से स्किप कर दीजिए, आप केवल आटा डालिए और उसे भी बना सकते हैं इस ब्रेड को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी हमेशा की तरह पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।